గుజరాత్ లో 11 మంది రేపిస్టులను ప్రభుత్వం విడుదల చేయడంపై ప్రధాని మోడీ జోక్యం చేసుకోవాలన్నారు మంత్రి కేటీఆర్. రేపిస్టులను విడుదల చేయకుండా కఠిన శిక్షలు పడేలా చూడాలన్నారు. గుజరాత్ సర్కార్ రెమిషన్ ఆర్డర్ను రద్దు చేసేలా చూడాలన్నారు. రేపిస్టులను విడుదల చేసి దేశానికి ఏం సందేశం ఇస్తున్నామని ప్రశ్నించారు. అత్యాచార ఘటనల్లో కఠిన శిక్షలు పడేలా చట్టాల్లో మార్పులు చేయాలన్నారు కేటీఆర్. हमारे देश में महिला का सम्मान करना चाहिए और इसके लिए आगे जाके हम सभी को हर हिंदुस्तानी को कोशिश करना चाहिए कि उनका रवैया बदलें. अच्छा लगा सुन के. पर जब शाम में मैं देखा न्यूज़ में कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने उसका रेमिशन पावर इस्तेमाल करते हुए एक जो बिल्किस बानो जी का जो रेप हुआ 2002 में, उसमें जो 11 रेपिस्ट थे उनको रिहा कर दिया, बहुत दुख हुआ. क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं किसी चीज़ की, अगर उस पर अमलावरी भी नहीं करेंगे, उस पर अगर फॉलो भी नहीं करेंगे, व्हाट वी प्रीच वी शुड ऑल्सो प्रैक्टिस. बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है. और अगर आप देखेंगे, मैं एज एन इंडियन सिटीजन, मैं ये कोई ऑपोजिशन लीडर होने के नाते या कोई पॉलिटिकली उनको मैं कुछ ट्रबल करने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, जब हम देखते हैं हिंदुस्तान में कि कहीं एक बच्ची का रेप हुआ है, चाहे वो निर्भया हो, चाहे मेरे राज में भी इससे पहले जो हुआ हो या कुछ और भी हो, बहुत दर्द होती है, बहुत दुख होती है. तो इसीलिए मैं केंद्र सरकार से, खास प्रधानमंत्री जी से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप इस बारे में ना सिर्फ बात करें बट इनको थोड़ा मजबूती से आप काम भी करें. हम ये चाहते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी से कि आप कल जो हुआ गुजरात में बिल्किस बानो की रेपिस्ट को रिहा करने वाली बात, पहली बात तो इस बात पे आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, इंटरफियर करना चाहिए और जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ऑर्डर है उसको रिवर्स करना चाहिए, उसको रिसाइंड करना चाहिए, क्योंकि ये गलत है.